हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 में इंसर्ट मेन्यू के अंदर टेबल टैब। तो अभी आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि मैंने इंसर्ट टैब के अंदर आपको पेजेस ऑप्शन के बारे में बता दिया है, इलस्ट्रेशंस के लिए भी मैं बता चुका हूँ। टेबल ऑप्शन जो कि इन दोनों के बीच में है, मैंने छोड़ दिया था क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है और इसमें बहुत ही ज़्यादा वर्क किया जाता है। सो मैं इसके लिए आपको स्पेशल टिप्स देने वाला हूँ। सबसे पहले ऑप्शन समझ लीजिए। टेबल टेबल एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, टेबल एक सेल्स का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें रोज और कॉलम को एक साथ रखा जाता है, ठीक है। यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन ही टेबल कहलाता है। हम अपनी रेगुलर लाइफ के अंदर टेबल के कई सारे ऑप्शंस यूज होते हुए देखते हैं और बनाते भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेबल ऑप्शन के लिए। तो सबसे पहले तो टेबल ऑप्शन पे आपने बहुत बार काम किया होगा, लेकिन चलिए मैं आज आपको टेबल की असली दुनिया तक लेके चलता हूँ। और रियल में बात मानिए, आप मेरी बात पे विश्वास कीजिए, इस टेबल ऑप्शन को करने के बाद आपको रियल में लगेगा कि हाँ, आज आपने टेबल ऑप्शन को ठीक तरीके से पढ़ा है और समझा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ टेबल टूल, जो कि हमारा इंसर्ट टैब के अंदर सेकंड ऑप्शन है। यहाँ पर आप सबसे पहले एक टेबल ऑप्शन देख पा रहे हैं, इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको इंसर्ट टेबल का ऑप्शन दिखाई देगा। तो सबसे पहले आप अपनी काउंटिंग स्टार्ट कीजिए। काउंटिंग नंबर वन, यानी कि ये बॉक्सेस, यानी कि आप टेबल यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए बनाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन यानी कि काउंटिंग नंबर वन। ऑप्शन नंबर टू इंसर्ट टेबल, यानी कि आप अपने चॉइस से टेबल क्रिएट करेंगे। इंसर्ट नंबर तीन, आप टेबल खुद डिजाइन करेंगे। ऑप्शन नंबर चार, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी कि आप किसी लिखे हुए टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट, और ये आपका नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा। और क्विक टेबल का ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ऑलमोस्ट मैं आपको 6 डिफरेंट तरीके से टेबल क्रिएट करना आज सिखा रहा हूँ। तो चलिए एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी टेबल बनानी है, तो आपको सबसे पहले अपने माइंड में टेबल का स्ट्रक्चर सेट करना होता है। सपोज मैं आपको बताता हूँ कि एक स्कूल के अंदर एक स्टूडेंट नाम से टेबल बनी हुई है और उसमें 3 फील्ड हैं, यानी कि 3 कॉलम हैं, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। और वो ये केवल 4 स्टूडेंट का मैं डेटा बना रहा हूँ। तो यानी कि मुझे क्लियर हो गई है 3-4 चीज़ें कि एक मैं स्टूडेंट नाम से टेबल बनाऊंगा और जिसके अंदर मेरे 3 कॉलम होंगे, रोल नंबर, नेम, मार्क्स। और वो स्टूडेंट होंगे स्टूडेंट 1, 2, 3 एंड 4। तो चलिए एक डेमो बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले कितना सिंपल है टेबल बनाना। आप इस बॉक्सेस फील्ड पर आइए और आपको 3 कॉलम चाहिए, तो आप ये 3 बॉक्सेस को ऐसे सिलेक्ट करेंगे और स्क्रीन पर आप देखिए यहाँ पर ये आपके बॉक्स इस जगह पे बनने लगेंगे। देखिए 3 आपको कॉलम चाहिए थे, 3 कॉलम के अलावा आपको 4 फील्ड चाहिए, मतलब 4 रोज चाहिए आपको, 1, 2, 3, 4। देखिए ये मैंने 4 रोज ले लिए हैं, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि मुझे इस टेबल का एक हेडिंग भी देना है, तो हेडिंग के लिए भी आप एक कॉलम अलग से चूज करेंगे। तो चलिए मैंने यहाँ पर इस टाइम पे 5 रोज और 3 कॉलम का कॉम्बिनेशन बनाकर एक टेबल बनाई है और वो टेबल यहाँ पर मुझे दिख पा रही है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दोबारा देखिए, मैंने कल भी आपको बताया था कि जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको डिजाइन और लेआउट के ऑप्शन दिखने लगेंगे, जिनका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। फिलहाल अभी हम अपनी टेबल स्ट्रक्चर पर हैं, तो टेबल मेरी बनके तैयार हो चुकी है ऑप्शन नंबर 1 के जरिए। तो चलिए मैं अब अपने टेबल के अंदर कुछ आइटम्स भर लेता हूँ, जैसे सपोज रोल नंबर। अब देखिए रोल नंबर लिखने के बाद आपको दूसरे कॉलम में आने के लिए माउस का कर्सर यहाँ पर क्लिक करना होगा। जब आप माउस का कर्सर यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका माउस का पॉइंटर यहाँ आ चुका होगा। और अगला जो फील्ड मैंने आपको बताया था वो था नेम। अगर आपको आगे जाना है तो आप यहाँ पर माउस का कर्सर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप माउस से नहीं करना चाहते तो आप टैब से दबाइए और अपना तीसरा कॉलम का नाम आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब आपने रोल नंबर, नेम और मार्क्स लिख दिया है। अब यहाँ पर हम कुछ रोल नंबर फीड कर लेते हैं जल्दी से, ताकि मैं आपको डेमो दिखा सकूँ अच्छा सा। और मैंने ये कुछ रोल नंबर फीड करे हैं। अब मैं फटाफट से जाकर कुछ नेम डालता हूँ। मैंने कुछ नेम फीड कर दिए हैं यहाँ पर, और ये नेम भी फीड हो चुके हैं जल्दी से। और चलिए अब हम चलते हैं नेम वाले कॉलम के अंदर। इसमें मैं कुछ, सॉरी, मार्क्स वाले कॉलम में अब मैं यहाँ पर कुछ मार्क्स इंसर्ट करने जा रहा हूँ। ये मैंने मार्क्स इंसर्ट कर लिए हैं और देखिए कितनी जल्दी से हमने एक टेबल रेडीमेड तैयार कर ली है। तो
तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर वन के जरिए आप एक टेबल बना सकते हैं। आप ये देखिए, ये काफ़ी सारा स्पेस वेस्ट हो रहा है, तो आप इस स्पेस को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर ये आप ये बॉक्स देखिए, यहाँ पर जैसे इस बॉक्स के पास आएंगे आपके पास एक एरो सिंबल बनने लगेगा। इस एरो सिंबल के जरिए आप अपनी टेबल को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी आप वैसे अपनी टेबल को ड्रैग करके बड़ा या छोटा इजीली कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी टेबल आपने एक फटाफट 1 मिनट के अंदर आपने ये टेबल बनाना सीख भी लिया है। तो ये सबसे सिंपल तरीका था आपका टेबल बनाने के लिए, और जिसे मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग प्रेफर करें कि आप इसी तरीके से टेबल आराम से जल्दी से बना लें। अच्छा, लेकिन इंटरनेट पर जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं बड़ी अट्रैक्टिव टेबल्स होती हैं, तो देखिए मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो लोग टेबल बना चुके हैं पहले, जो लोग पहले टेबल पे काम करते आ रहे हैं, उनके लिए बहुत वर्क बहुत छोटा सा है। लेकिन जो स्टूडेंट टेबल एक ही तरीके से बनाना सीख चुके हैं या एक ही टेबल से केवल एक ही मेथड से केवल टेबल बनाते हैं, उनके लिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ पर सिखाऊंगा। चलिए अभी फिलहाल मैंने यहाँ पर टेबल बनाई, उसका साइज बड़ा या छोटा कर लिया। आप टेबल को मूव करने की बारी आती है, आपको टेबल यहाँ नहीं चाहिए कोई बात नहीं, आप यहाँ से उठाकर इस टेबल को यहाँ लेके जाइए। एक बार जरा ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है इसके लिए। जैसे ही मैं माउस टेबल के ऊपर लेके आता हूँ तो ये वहाँ यहाँ पर मुझे एक स्क्वायर मिलता है बना हुआ, और मैं इस स्क्वायर पर जैसे लेके आता हूँ मेरा कर्सर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद मुझे इसे माउस से क्लिक कर रखना है और मुझे इसको कहीं पर भी मूव करा देना है और मेरी टेबल वहाँ मूव हो जाएगी। देखिए कितना आसान है टेबल के साथ वर्क करना, और मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था कि इससे बेटर ऑप्शंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर वन में मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई हैं, अब देखते हैं दूसरे डिफरेंट तरीके से हम टेबल कैसे बना सकते हैं। तो चलिए एक और नई फाइल ले लेते हैं। इस नई फाइल में हम दोबारा इंसर्ट टैब में जाते हैं, टेबल पे क्लिक करते हैं और अब इंसर्ट टेबल करते हैं। देखिए यहाँ पर मुझे बॉक्सेस से सिलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पर मुझे बताना है कि कितने मुझे कॉलम्स चाहिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पर 3 कॉलम ले लेता हूँ, वही अपनी पुरानी टेबल, क्योंकि एक तरीके के फॉर्मेट पर हम काम करते समय ज़्यादा सीखते हैं, और मुझे रोज चाहिए यहाँ पर टोटल 5। तो मैंने 5 रोज ले लिए हैं और मैंने इसको ओके कर दिया है। अब मैं यहाँ पर दोबारा वही पहले वाला फील्ड भरता हूँ, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। अब मेरे पास आईडी है और एम्प्लॉय नेम हो गया, और इसके अलावा मैं उसको कुछ सैलरी देता हूँ। तो ये मैंने मेरे पास कुछ आइटम आ गए जो किसी कंपनी के एम्प्लॉय के लिए वैलिड होते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ आईडी डालने जा रहा हूँ, और वो आईडी मेरी कुछ इस तरीके से होगी। मैंने आईडी A101, A102, 103 और A104 मैंने आईडी बना ली, और उनके नाम जो मैंने देने थे वो मैंने नाम भी दे दिए। देखिए कितने आसानी से हम टेबल पे इजीली वर्क कर पा रहे हैं। और देखिए ये सैलरी पे मैंने उसको कुछ पैसे देने हैं एम्प्लॉय को, मैंने उसको पैसे दिए, और इस तरीके से मेरी टेबल बनके कितनी जल्दी तैयार भी हो गई। ठीक है, सबसे पहले अपने मन के अंदर ये टेंशन हटा दीजिए कि एमएस वर्ड के अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं, कब तक कितने याद रखेंगे। अगर आप इंटरेस्ट बनाएंगे अपना तो आप इसे इजीली सीख पाएंगे, लेकिन अगर आप इससे भागेंगे तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। देखिए मैंने कितनी जल्दी कितनी आसानी से टेबल के मैं जाकर यानी टेबल टूल के अंदर दूसरे डिफरेंट तरीके से मैंने टेबल बनाई। अब चूंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि टेबल को आप किसी भी साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये देखिए मैं इसे माउस से ड्रैग करके इसे छोटा बड़ा कैसे भी कर सकता हूँ, और ये देखिए मेरी टेबल कितनी अच्छी लग रही है। और इसके साथ भी वही ऑप्शन है, मैं मेरी टेबल को कहीं पर भी मूव करा सकता हूँ और आप भी इसे कहीं भी मूव करा सकते हैं। ये था मेरा दूसरा ऑप्शन टेबल के अंदर, इंसर्ट टेबल। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, तीसरे तरीके की टेबल क्रिएट करना। तो तीसरे की टेबल क्रिएट करने के लिए देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको एमएस पेंट का फीलिंग आएगा, लेकिन यकीन मानिए टेबल इस तरीके से भी बन जाती है। ड्रॉ टेबल ऑप्शन लेते हैं हम, जब हम ड्रॉ टेबल का ऑप्शन लेते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देता है। देखिए जितनी बड़ी आपको टेबल चाहिए आप उतना एक बॉक्स बना लीजिए, और ये आपके सामने बॉक्स बन के आ गया है। अब यहाँ पर आप देखिए एक पैन टाइप दिख रहा है आपको, और बहुत सारे ऑप्शन ऊपर दिख रहे हैं डिज़ाइन के अंदर। तो चलिए यहाँ पर जब हम टेबल डिज़ाइन करते हैं तो यहाँ पर हमें इन टूल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कि है ड्रॉ बॉर्डर्स के नाम से। यहाँ से आप पैन की विड्थ चूज़ कीजिए, सपोज मैंने ये पैन की विड्थ चूज़ की, पैन का कलर चूज़ कर सकते हैं आप कोई भी कलर, तो मैं अभी स्टैंडर्ड ब्लैक कलर ही रखता हूँ। और देखिए मैं कैसे टेबल बनाता हूँ, सपोज़ मैंने यहाँ से माउस से ऊपर क्लिक किया और नीचे की तरफ लाया, मेरा पहले ड्रॉ लाइन ड्रॉ हो चुकी है। मैंने अगले कॉलम के अगली लाइन के लिए मैंने डाला, ड्रॉ हो गई। मैंने तीसरे के लिए डाला, ड्रॉ हो गई। तो इस तरीके से मेरी एक टेबल ड्रॉ हो जाती है। अब मुझे यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करना है कुछ, तो देखिए ये लाइन ड्रॉज होती जा रही हैं, और
बड़ा पेंट जैसा सा फील आता है इसमें, लेकिन देखिए ऑप्शंस हैं तो आपको चला के देखने हैं सभी, ऐसा नहीं है कोई ऑप्शन आप छोड़ेंगे। ये देखिए हमारी टेबल कितने अच्छे तरीके से बनके तैयार हो गई है। अब आप ड्रॉ टेबल वाले बटन पे देखेंगे, ये ऑरेंज हो रखा है, आपको अपना पैन रिमूव करना है, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और अब आप इसके अंदर डेटा फीड कर सकते हैं। तो इसमें हम डालते हैं नंबर नंबर और मार्क्स। सपोज हम ये टेबल बना के देख चुके हैं, नंबर्स के अंदर 101, 102, 103 और मार्क्स के अंदर हमने डाला 45, 12, 19 समथिंग हमने डाला, ठीक है। और यहाँ पर हम कुछ रिजल्ट नाम से फील्ड बना लेते हैं, रिजल्ट के अंदर हम कुछ ग्रेड्स लिख देते हैं, पी के एल, ओके। और हम यहाँ पर ग्रेड सिस्टम भी बना देते हैं कुछ, अभी ये डेमो टेबल है, ये एग्जैक्टली टेबल नहीं रहेगी, तो यहाँ पर पी पी प्लस, यहाँ पर एफ एफ माइनस, तो हमने कुछ ग्रेड्स भी बना लिए हैं, जे जे प्लस। तो इस तरीके से हम टेबल ड्रॉ करके भी क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए कितने मजे से हमने अपनी तीसरी तरीके की डिफरेंट टेबल बनाना सीख लिया है। चलिए मूव करते हैं अब नेक्स्ट तरीके की टेबल पर। चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन अभी ब्लिंक नहीं हो रहा है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे इससे पहले मुझे अपना एक कुछ टेक्स्ट लिखना होगा। अब देखिए मैं टेक्स्ट में कुछ नाम लिख देता हूँ, जैसे सपोज मैं कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखता हूँ, जैसे कि इसमें मैं डालता हूँ मुकुल, इसमें मैं नाम डालता हूँ वसीम, इसमें मैं नाम डालता हूँ सौरभ, इसमें मैं कुछ नाम डालता हूँ जैसे महावीर, इसमें जैसे मैं नाम डालता हूँ मेघा, और मैं इसमें एक और नाम डाल देता हूँ। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मेघा गड़बड़ है थोड़ी सी। इसके अलावा दो एक नाम और ले लेते हैं हम, जैसे कि कुछ नाम नीरज, नीरज हो गया, सामदनी, ये हमारे कुछ नाम हो गए। और एक आध नाम हम इसमें और ले लेते हैं, जैसे कि राजू। अब देखिए एक बार इन्हें काउंट कर लेते हैं कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नाम मैंने यहाँ लिख लिए हैं। अब मुझे इसे टेबल की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, यानी कि मैं किसी लिखे हुए कंटेंट को एक टेबल की फॉर्म में दे सकता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे मेरे कंटेंट सिलेक्ट करने होंगे, और सिलेक्ट करने से पहले आप एक बात अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि आपका टेबल का फॉर्मेट आप क्या चाहते हैं। देखिए अब कन्वर्ट टेक्स्ट टू ऑप्शन यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है, और जब आप कन्वर्ट टेक्स्ट टू करेंगे तो आप ये आपसे पूछेगा कि आप कितने कॉलम्स में वैसे बनाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाले कि नंबर ऑफ कॉलम्स ये खुद सिलेक्ट करेगा, बस आपको नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ डालने होते हैं। रोज खुद सिलेक्ट करेगा, कॉलम भर डालिए और ओके करके आगे बढ़ जाइए। तो अगर आप दो कॉलम देते हो तो ये चार रो बनाएगा, और मैं ये आपको करके भी दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने कहा है आपको कि केवल कॉलम का नंबर डालिए और आप इसे ओके कर दीजिए और आपकी टेबल ये बन चुकी है। अब एक बात आप खुद बताइए, क्या इतनी आसानी से इतने डिफरेंट तरीके की टेबल्स आपने पहले बनाई हैं? अगर हाँ तो ठीक है, आप बहुत अच्छी तरीके से स्टडी कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, मैं आपका साथ हमेशा देने वाला हूँ, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। टेबल हमारी बन चुकी है, और टेबल बनने के बाद इसे रिसाइज किया जा सकता है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, भूलिएगा नहीं, और रिसाइज करने के अलावा मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ। ये देखिए चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट कंटेंट की तरफ। नेक्स्ट कंटेंट हमारा जो रहेगा वो टेबल ऑप्शन के अंदर ही एक्सेल स्प्रेडशीट का ऑप्शन होगा। एक्सेल स्प्रेडशीट क्या होती है, इसमें आपको एक एक्सेल का फॉर्मेट बना हुआ मिलेगा। जिस स्टूडेंट ने एक्सेल में वर्क नहीं कर रहा है वो परेशान मत होइए, मैं यहाँ पर हूँ आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए एक पहले से ही प्री डिफाइंड फॉर्मेट बना हुआ है, जिसके अंदर कुछ रोज और कॉलम के कॉम्बिनेशन हमें दिख रहे हैं। चलिए हम यहाँ पर कुछ बिजली के बिल की कुछ रीडिंग्स लिख लेते हैं। तो रीडिंग्स लिख ली हमने, और रीडिंग कितनी आएगी वो हम यहाँ लिखते चलेंगे। एक तरफ से इस कॉलम को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं रीडिंग, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्राइस। तो ये सपोज मैं दो आइटम लेता हूँ, यहाँ पर रीडिंग है 105, 1110, और ये मैं एरो से या माउस से आप लेके आ सकते हैं कर्सर को, और 89 और 45 और 300। तो मैंने कुछ रीडिंग लिखी हैं और इनके सब रीडिंग्स के प्राइसेस अलग अलग हैं। मैंने 2, 4, 6 और 8 और 7, सपोज मैंने मेरे पास ये यूनिट है। अब देखिए टेबल बनाना कितना आसान था। अब यहाँ पर आप लेके आइए अपने माउस के कर्सर को, ये देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं लेके आता हूँ यहाँ पर एक एरो बन जाता है, इसको आप
थोड़ा सा अंदर की तरफ को मूव कराइए और जितने मूव जितना छोटी आप अपनी टेबल रखना चाहते हैं इसको यहाँ तक लेके आते जाइए और इसे छोड़ दीजिए। और देखिए आपका बॉक्स बिल्कुल फिट हो गया है, अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आके आपको बाहर वाइट पेज पर इस अपने डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है बस, और आपकी एक बहुत बहुत ही बेहतरीन और अच्छी टेबल बन चुकी है। तो ये आपका नेक्स्ट ऑप्शन था जो कि हमने टेबल ऑप्शन के अंदर देखा था एक्सेल स्प्रेडशीट का। चलिए हमने कितने 1, 2, 3, 4 एंड 5 हमने 5 डिफरेंट तरीके से टेबल क्रिएट करना सीख लिया है। अब इस सीरीज में हम इसके लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, सबसे लास्ट तरीके से हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्विक टेबल्स। देखिए टेबल के स्ट्रक्चर पहले से बने हुए भी होते हैं जिन्हें हम टेम्पलेट्स के नाम से जानते हैं। आप इस टेम्पलेट को लाने के लिए आप क्विक टेबल पर क्लिक कीजिए और आप देखेंगे कि इस तरफ एक और सब ऑप्शन खुल जाएगा। आप यहां से कोई भी एक आइटम चूज कर सकते हैं कि किस तरीके की टेबल आपको चाहिए। सपोज मैं यहां पर एक टेबुलर लिस्ट तैयार करता हूं और ये टेबुलर लिस्ट कुछ इस तरीके से मेरे सामने बन के आ जाएगी। अब आप कहेंगे कि सर ये तो टेबल पहले से बनी हुई है, हमें नहीं चाहिए थी ऐसी, तो डरिए मत, ये बहुत ही ईजी है। आप इसको डिलीट बटन से रिमूव कर सकते हैं या बैक स्पेस से आप इसे रिमूव कर सकते हैं। हम डालते हैं यहाँ पर आइटम और हम यहाँ डालते हैं उसका प्राइस। देखिए कितनी आसानी से हमने 6 टाइप की टेबल को बनाना भी सीख लिया है। तो आइटम है जैसे हमारे पास पेन, मैगजीन, नोटबुक, पेपर, पैड्स, पेन, पेंसिल, हाइलाइटर्स एटसेट्रा, सीजर्स वगैरह दिए हुए हैं और ये उसके प्राइजेस लिखे हुए हैं। तो हम इसको प्राइस इसका इतना है, तो हमारी देखिए टेबल कितनी आसानी से बन के तैयार हो गई है। सो फ्रेंड्स देखिए एक बात समझ लीजिए कि टेबल का ऑप्शन आपको मैंने अभी केवल इंसर्ट करना बताया है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं जो कि मैं इसके नेक्स्ट सीरीज में ही तुरंत ही इस सीरीज के तुरंत बाद वाली में ही मैं इसका फॉर्मेटिंग सिखा दूंगा आपको, ठीक है? क्योंकि अब आपके पास इतना कंटेंट होना चाहिए कि आप अपने बनाए हुए पिक्चर्स, इमेजेस, ये फॉर्मेटिंग के ऑप्शन जितने छोड़े थे ये सब मैं क्लियर करने वाला हूँ अब इसके नेक्स्ट सीरीज से। सो, आज की टेबल सीरीज के अंदर मैंने आपको एमएस वर्ड 2007 में इंसर्ट मेन्यू के अंदर टेबल के अंदर 6 डिफरेंट तरीके की टेबल्स को क्रिएट करना बताया है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहिए ताकि मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्लासेस क्रिएट कर सकूँ, आप तक पहुँचा सकूँ, आपके साथ में जुड़ सकूँ, ठीक है? ये क्लासेस मैंने केवल इसलिए शुरू करी थी कि मैं मेरे स्टूडेंट के साथ जुड़ सकूं और ज़्यादा उनके फीलिंग्स को, उनके अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटीज़ को कैप्चर कर सकूं, ताकि मैं उनके अकॉर्डिंग क्लासेस डिज़ाइन कर सकूं, ताकि वो उनकी प्रॉब्लम्स मुझे समझ में आए, मैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो धीरे धीरे मैं हर एक यूज़र से उसकी रिक्वायरमेंट पूछ रहा हूँ, उस पर मॉडिफिकेशंस कर रहा हूँ। सो आपसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी भी सीरीज़ में अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप मेरे डिफरेंट तरीके के जो मेरे अकाउंट्स हैं उनको जाकर आप सर्च कीजिए और मुझे सजेस्ट कीजिए कि आप क्या चाहते हैं और इस सीरीज़ के अंदर, ठीक है? मैंने हर तरीके का अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, लिंक्डइन, मैंने व्हाट्सएप अकाउंट, ईमेल आईडी, इंस्टा एटसेट्रा, मैंने बहुत सारे वहाँ पर अपने अकाउंट्स दिए हुए हैं। तो आप किसी भी एक मीडियम से मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकेगा आपसे कांटेक्ट करूँगा। तो चलिए मैं आज आपसे यहीं पर विदा लेता हूँ और नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे जल्दी ही मिलूँगा। तो बाय बाय, गुड नाइट।